इससे पहले 90 सीटें, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आखिर क्या कह रहा है, किसकी वहां पर बनती हुई दिख रही है सरकार। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था, सैंपल साइज मेथोडोलॉजी के साथ करते हैं शुरुआत। तो 16,000 से ज्यादा लोगों के बीच प्रदीप गुप्ता की टीम गई है और 16,270 लोगों के सैंपल साइज के साथ इस एग्जिट पोल को आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अंजाम तक पहुंचाया है। कुल 90 विधानसभा सीटें, हर विधानसभा सीट पर हमारा ये सर्वे पहुंचा है और फिर हमने सर्वे में लोगों से जो बातचीत की है, जो बड़े मुद्दे हैं वो भी आपको बताएंगे और फिर दो हिस्से में रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बस्तर रीजन, क्योंकि याद रखिए दो हिस्सों में वोटिंग की गई थी। नक्सल प्रभावित ये पूरा राज्य है और इसीलिए जो ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके हैं, बस्तर के इलाके हैं, उन सब सीटों पर पहले फेज में वोटिंग की गई थी। तो 7 नवंबर को, 17 नवंबर को दो तारीखों पर वोटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में। कुछ ही देर में हम आंकड़े आपके पास रखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर अजीत जोगी की सरकार बनी थी, 3 बार रमन सिंह सरकार में वहां पर रहे मुख्यमंत्री और उसके बाद पिछली पारी में भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री बने। क्या एक बार फिर से भूपेश बघेल की लॉटरी लगेगी या फिर जो पूरा मामला है गेमिंग ऐप का, महादेव स्कैम का, वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। स्कीम्स जो दोनों तरफ से मैदान में उतारी गई थी उसमें किसकी हुई है जीत, क्या भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको आगे ले जाएगी। पाटन सीट पर विजय बघेल अपने ही भतीजे के सामने वो मुकाबले में थे जहां पर अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनावी मैदान में थे। भूपेश बघेल कितना कमाल यहां पर कर पाएंगे, 90 सीटों में से 39 सीटें, सबसे ज्यादा 39 सीटें यहां रिजर्व्ड है एससी एसटी के लिए। देश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में ही है। 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश से अलग राज्य वो बना था, तब अजीत जोगी वहां के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से 3 बार रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री रहे और फिर भूपेश बघेल की पिछली बार लॉटरी लगी थी। लेकिन इस बार क्या कहते हैं आंकड़े, कुछ ही देर में हम करेंगे शुरुआत क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के साथ शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले वोट प्रतिशत में कौन है आगे, कौन पीछे, किसको कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है, ये दिखाने के लिए अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ला रहे हैं दोनों ही प्रतिद्वंदी को जो दोनों तरफ से हैं। इधर आप देख रहे हैं जेपी नड्डा साहब 41% वोट्स भारतीय जनता पार्टी को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल, आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है 41% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे हिस्से को कितनी वोटें मिलती हैं इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। आपको बता दें कि अगर यही आंकड़ों में तब्दील होता है तो क्या होता है, पिछली बार 2018 में बीजेपी को 32.9% वोट मिले थे असेंबली इलेक्शन में 2018 में, 32.9, वहां से वो 41 पर पहुंचे। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी को 42%, सिर्फ 1% का फासला है दोनों में। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिली थी 43.04% वोट, यानी बीजेपी बहुत बड़ा गेन करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है लेकिन कांग्रेस अभी भी आगे है और कांग्रेस पार्टी के पास 42% वोट पहुंच रहा है। एक बार फिर से आपको बताएं, पिछली बार बीजेपी को मिले थे 32.9% वोट, इस बार बीजेपी को मिल रहे 41% वोट। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिले थे 43.05% वोट, इस बार कांग्रेस पार्टी को मार्जिनली ज्यादा 42% वोट मिलते हुए छत्तीसगढ़ में दिखाई पा रहे हैं। यानी बीजेपी अपना ग्राउंड रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है लेकिन सीटों के मामले में कौन है आगे, 90 सीटों में कौन ला रहा है 46 के ऊपर ताकि बन जाएगी उसकी सरकार। अब हम आपके पास सीट जो काउंट है वो दिखाने वाले हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल क्या आंकड़े ला रहा है, सबसे पहले हम आपको बीजेपी की सीट दिखा रहे हैं, वो घड़ी करीब आ गई है। ये देखिए 36 से 46 सीटें, ये क्या कर दिया है आपने प्रदीप गुप्ता जी, 36 से 46 सीटें बीजेपी की आ रही है। दूसरे हिस्से का आप जल्दी से आपको दिखा देते हैं क्योंकि अगर अपर एज आ गया बीजेपी को तो वो सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी की, लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट आती हुई दिखाई दे रही है अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही देर में आने वाला है और यहां पर जो आंकड़ा आएगा वहीं से तय होगा। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं सामने और उनको 40 से 50 सीटें, यानी ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में आ रही है कांग्रेस पार्टी की। 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 46 टॉप एज है बीजेपी का लेकिन कांग्रेस पार्टी को आ रही है 40 से 50, तो कांग्रेस पार्टी की यहां बनती हुई दिख रही है सरकार, ये बड़ी बात है। जल्दी से प्रदीप जी, बहुत क्लोज है, टाई हो गया तो टाई भी हो सकता है क्या, आप बीच का बताइए ना, बीच का क्या है।
टाई भी हो सकता है। बीच का आंकड़ा माने तो कांग्रेस के खाते में 45, बीच का आंकड़ा और बीजेपी के खाते में माने तो 40, यानी कहने को तो 5 सीटों का अंतर है बीजेपी और, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि पिछले चुनाव को छोड़ के जब से छत्तीसगढ़ बना है राज्य, पिछले चुनाव को छोड़ के तीन चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच का अंतर हमेशा 0.5% से लेकर 1.5% तक रहा है और लगातार बीजेपी ने 3 बार सरकार बनाई लेकिन हर बार जो आंकड़ा आया वो 46 से लेके 49 के बीच में ही आया, बीजेपी ने कभी 50 को छुआ नहीं। केवल पिछली बार ये आंकड़ा जो था कांग्रेस ने 68 सीटें हासिल की और बीजेपी ने 15, तो छत्तीसगढ़ हमेशा से कांटे की टक्कर देता आया है क्योंकि एक छोटा राज्य है और छोटे राज्य में 2-4 सीटें इधर उधर से बाजी पलट जाती है, पलट सकती है क्या बाजी। लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज में सिर्फ 1% का फासला है, बीजेपी ने बहुत ज्यादा गेन किया है लेकिन सरकार बनती हुई कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। सुरेंद्र जी, मुस्कुराने की एक पहली वजह तो प्रदीप गुप्ता जी ने आपको दे दी है लेकिन अभी भी मामला वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि टाई की स्थिति आ सकती है छत्तीसगढ़ में। अंजना, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन डकैतों को कहते हैं, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है और कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम इस पल में जिंदा हैं, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। हम एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल में 60 से ऊपर जा रहे हैं, ये हमारा अपना आंकड़ा है, 60 से ऊपर जाएंगे हम लोग, इस चीज को जानिए, कहीं पर भी नहीं कोई है आ रहा है, ये बात सच है। मैं सम्मान करता हूं इस एग्जिट पोल का और इस एग्जिट पोल के सम्मान के साथ कह रहा हूं, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, हमारा जो अपना एग्जिट पोल और एग्जिट पोल है वो कहीं इससे आगे है। ठीक है, सुमी के पास जल्दी चलते हैं। हालांकि आपने जो लंबी चौड़ी शेरो शायरी मारी उसमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। अग्निहोत्री जी भी हंस रहे हैं। सुमी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, जल्दी से बताइए क्या आपको ये एग्जिट पोल सही लग रहा है, क्या वाकई रिजल्ट फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ में, किसको एज है? जी बिल्कुल अंजना, मामला फंसा हुआ है, किसी भी की सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में और ये स्थिति इनफैक्ट 7 और 17 तारीख को काफी रूप से ये साफ हो गई थी कि किसी की भी सरकार बन सकती है यहाँ पर। हंग असेंबली होने पर भी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमारे एग्जिट पोल पर भी नजर आ रहा है बहुत ही एक्यूरेट है ये और इतना ही हमारा इंटरनल असेसमेंट भी हो रहा है कि किस तरह ऐसा है बीजेपी फाइट में कैसे है, क्योंकि एक तरफ बघेल थे, थोड़ा सा सरप्राइज, एक सेकंड, बघेल थे, उनका काम था, बहुत सारी स्कीम्स थी, बीजेपी की लीडरशिप बिखरी हुई दिख रही थी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ताकत झोंकी और वहां पर अगर हम देखें तो 7 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में की, अमित शाह ने 12 रैलियां की, 1 रोड शो किया, वहीं राहुल गांधी को देखें तो 9 रैली, प्रियंका गांधी ने 4 रैली, योगी आदित्यनाथ ने भी 6 रैलियां की थी। बीजेपी अगर इस तरह से कांटे के टक्कर में वहां पर आई, सबसे बड़ी वजह सुमी, अंजना, सबसे बड़ी वजह इसकी यही नजर आ रही है कि महतारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की थी अपने मैनिफेस्टो में, 12,000 रुपए सालाना विवाहित महिलाओं को देने की जो बात कही और बीजेपी ने फॉर्म तक भरवा लिए थे कई महिलाओं से, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़ कर वोट किया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को बहुत बड़े गेन। प्रदीप जी भी वही बता रहे हैं, सुमी, प्रदीप जी भी वही बता रहे हैं, इनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहां की जो इन्होंने अपने सर्वे में निकाली है उसमें महतारी योजना का जिक्र आप खुद ही कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह वो बनती हुई दिखाई दे रही है अगर बीजेपी वापस फाइट में आई है। एक सेकंड, लेकिन बस्तर के इलाके में जहां पर 12 सीटें हैं जिसमें पिछले चुनाव में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, वहां पर आप दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पर भी डेंट मारा है, वहां पर भी कई सीटें अपनी तरफ कर ली है। जी अंजना जी, आप पाएंगे कि बीजेपी ने इस बार आदिवासी इलाके, जैसे आपने कहा बस्तर, और बस्तर के अलावा भी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर आदिवासी सीटों के ऊपर, जब आप इस सर्वे को फर्दर डिकोड करेंगे तो पाएंगे आदिवासी सीटों के अंदर, एसटी रिजर्व सीटों के अंदर हमारे सर्वे में बीजेपी को जो है वो लीड होती मिलती हुई दिख रही है। 11 और 12 सीटें, 25 सीटों में से 11 और 12, यानी इतना करीबी मामला आ चुका है 25 सीटों पर जो रिजर्व आदिवासी सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, तो उसका बड़े से बड़ा श्रेय जो है 1,10,000 रुपया लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को
और महतारी स्कीम प्रॉमिस जो करी 12,000 रुपए मैरिड वुमेन को, ये दो बड़े फैक्टर रहे बीजेपी के लिहाज से। और जो राज्य सरकार, कांग्रेस की राज्य सरकार की गौधन योजना से लेकर तमाम योजनाएं हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत साथ दिया, और जिसके कारण हम ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी बीजेपी से आगे बनी हुई है हमारे एग्जिट पोल में। बिल्कुल, एग्जिट पोल में बनी हुई है और 50 सीटों के साथ उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। 46 सीटें ही चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है, लेकिन बीजेपी फाइट में यहाँ पर आ गई है, वो ही अपने आप में एक बड़ी बात कही जा रही है। जिन सीम्स की हम बात कर रहे हैं, महतारी योजना और फिर ट्राइबल जो लैंडलेस लेबरर्स है उनके लिए, प्रदीप जी ने आपको बताया, जो बस्तर इलाके की 12 सीटें हैं जिसमें से 11 कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पर बीजेपी का डेंट मारना और वहां पर 5 सीटों का गेन होना, 6 सीटों पर आप कह रहे हैं कि जीत बीजेपी को मिल सकती है, ये बहुत बड़ी बात होगी, मतलब बराबरी पर आ जाएंगे। बस्तर में कभी भी जितने भी चुनाव हुए, ये 5वां चुनाव है, आज तक बीजेपी कभी कांग्रेस को क्रॉस नहीं कर पाई है, भले ही बीजेपी ने 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन इस बार जो है आदिवासी इलाकों में और आदिवासी समुदाय के बीच में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी का टोटल प्रदेश का वोट शेयर 33% था, जो अब सर्वे में 41%, यानी 8% का मोमेंटम, बहुत बड़ी बात है। और उसकी बड़ी वजह जो है, पिछले बार जो आदिवासी पार्टी है GGP, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसने चुनाव लड़ा था, उसको बहुत बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। इस बार जो है बीजेपी ने सबसे बड़ी जो फायदा बीजेपी को मिल रहा है वो BSP और GGP, यानी आदिवासी और दलित पार्टी का गठबंधन पहली बार जो छत्तीसगढ़ में हुआ, इसका बड़े से बड़ा लाभ जो है बीजेपी को गया और उसने कांग्रेस को डेंट पहुंचाया। जो खास बातें हैं, बड़ी बातें हैं, वो जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। कुछ देर का इंतजार है जिसके बाद राजस्थान के आंकड़े हम आपके सामने रखने शुरू कर देंगे। जो किसानों के लिए लोन वेवर कांग्रेस पार्टी ने कहा था उस पर लोगों ने भरोसा किया है। पुरुष, ग्रामीण, SC ST, मुस्लिम, ये मतदाता कांग्रेस पार्टी की तरफ गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी यानी भूपेश बघेल के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखा है, जो हाईलाइट है आपका मिस्टर प्रदीप गुप्ता आपके इस पूरे सर्वे का। जो बड़ी बातें हैं, जल्दी से विनोद जी बड़ी बातें बता दूं, पहले CM भूपेश बघेल के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखा है, लेकिन जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में 12,000 महतारी योजना के तहत पैसे देने की बात है, 500 रुपए में गरीबों को सिलेंडर, 10,000 जो लैंडलेस यानी जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे खेतिहर मजदूरों को देने का 10,000 रुपए का वो, और 21 क्विंटल पर एकड़ जो पैडी टू बी प्रोक्योर्ड एट 3,100 रुपए में, ये प्रति क्विंटल 3,100 रुपए पैडी के लिए जो उन्होंने कहा है 21 क्विंटल तक, ये बातें आप कह रहे हैं कि इसका ही असर दिखा है कि बीजेपी इतनी तेजी से फाइट में वहां आ गई। बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार जो कांग्रेस की जीत की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में 1,800 रुपए MSP पर क्विंटल को 2,500 रुपए कर दिया था, जिसको कि अब बीजेपी ने 3,100 रुपए किया। इसके चलते जो छत्तीसगढ़ राज्य पूरा का पूरा किसान और आदिवासी है, और तो क्या, रायपुर को और दुर्ग भिलाई को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है किसान और आदिवासी राज्य है, जो कि किसानों से संबंधित योजनाएं और सुविधाएं बहुत बड़ा अंतर करती है। बिल्कुल, और यही वजह, विनोद जी जल्दी से अपना पॉइंट बोलिए। मैं एक सवाल गुप्ता से जानना चाह रहा था कि आदिवासियों के बीच जो बीजेपी जो पहले कभी नहीं जीती बस्तर में, लगातार वहां कांग्रेस जीतती रही, क्या जो आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का जो कार्ड मोदी जी ने खेला, उसका भी कुछ असर रहा है? बिल्कुल सही कहा विनोद जी आपने, उसका बहुत बड़ा असर रहा। और आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी दिवस जो है खुंटी में, झारखंड में जाके मनाया, ये सब एक योजना भी कह सकते हैं और हकीकत भी कह सकते हैं इसका हिस्सा।